सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमा ब्लॉग्स में जोहार वैली मुंशियारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ आज फिर से नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। मॉर्निंग के 10:30 बजे से दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह वाले सारे काम हो चुके हैं और सुबह के जितने भी काम होते हैं वो निपटाने के बाद मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी भी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे को जाना है मार्केट और आज कोई आने वाला है घर पे, और कौन आने वाला है वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, आपसे उनको मिला ही दूंगी कौन है वो करके। और दोस्तों, आज के मौसम की बात किया जाए तो आज का मौसम भी बादल वाला हो रहा है। कल तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी, बादल भी लगे हुए थे लेकिन धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी। परसों को बहुत तेज बारिश हुई थी और आज का मौसम भी बादल वाला हो रहा है। कभी धूप आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो बादलों के बीच कभी धूप छुप रही है, कभी आ रही है। तो आज का मौसम भी धूप बादल वाला हो रहा है। तो दोस्तों, अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, मम्मी नाश्ता बना रही है, तो मैं अभी थोड़ी देर में नाश्ता करूंगी, फिर मैं चलूंगी मार्केट को। और कौन आया है आज और कौन घर पे आने वाला है उनसे भी मैं आपको मिलाने वाली हूँ, तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता भी आ चुका है। नाश्ते में है आज ऑमलेट, रोटी और गर्मा गर्म चाय। तो दोस्तों, मैं करती हूँ नाश्ता। गाइस, जो हमारे घर में आने वाले थे उनसे आपको मिलाती हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे वो ये रही। कब्बू आज पहली बार बेबी को लेकर हमारे घर पे आई है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। और बेबी यहाँ पे आया है, बेबी अभी सो रहा है, निन्नू कर रहा है, आप देख सकते हैं। और कब्बू के साथ साथ आज घर पे जो दूसरा मेहमान है वो है दीदी। तो दीदी भी हमारे घर में पहली बार आई है और मैं तो बहुत खुश हूँ दीदी और कब्बू हमारे घर में आए हैं करके। और अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हॉस्पिटल क्योंकि कब्बू की बेबी का काम है, तो इसलिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। किस लिए आया, चल बता दे तू। हाँ, टीका लगाने के लिए आया। तो कौन से महीने का टीका लग रहा है इसको? ढाई ढाई माथी रे तब भूल नहीं। कौन से महीने का टीका लग रहा है? डेढ़ महीने का। तो अभी थोड़ी देर में इसको टीका वीका लगेगा। तो दगड़ियों, जब हमारे वहाँ पहली बार बेबी आता है तो बेबी के सर में तेल लगाते हैं और मम्मी यहाँ पे बेबी को तेल लगा रही है क्योंकि कहते हैं कि अगर तेल नहीं लगाएंगे तो घर में बहुत ज़्यादा चूहा हो जाता है, तो इसलिए हम हमारे घर में चूहा नहीं होगा करके बेबी को तेल लगा रहे हैं। तो मम्मी बेबी के सर पे अभी तेल वगैरह लगा रहे हैं। अभी सासू माँ को भी लगा दो, पहली बार आए। मजाक कर रही, मजाक। यहाँ पे अभी नीरज भी आए हैं कब्बू से मिलने के लिए। हाय नीरज, तो नीरज क्या कहना चाहोगे कब्बू को? बधाई हो। वहां तो उसकी उसकी दादी को। अभी अंशिका मिलने आई है। हेलो बोल अंशिका। तो गाइज, हम आ चुके हैं कब्बू की बेबी को लेके हॉस्पिटल और ये रहा मुंशियारी का हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है हॉस्पिटल के अंदर। और ये रहा टीकाकरण कक्ष, यहीं पे लगेगा सब बच्चों को टीका। और आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे आए हैं टीका लगाने के लिए। इनको देख के मेरे को दया आ रही है, थोड़ी देर में रोने वाले हैं। और यहाँ पे कब्बू अपने गाँव की आशा से बात कर रही है। जो टीकाकरण लगाने वाला बुक होता है जिसके आधार पर टीका लगता है, ये बुक होना जरूरी होता है, तो वो उसके बारे में बात कर रही है। और हमने अभी टीकाकरण कक्ष में बुक जमा कर लिया है और अभी हमारा नंबर आने वाला नहीं है क्योंकि हमसे आगे भी बहुत ज्यादा लोग हैं लाइन पे और आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। तो दोस्तों, वेट करते करते काफी टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा हम मार्केट का काम करा लेते हैं। तो अभी हम आए हैं मार्केट में और मार्केट में कब्बू को साइबर कैफे में काम था, तो ये रहा मुंशियारी का साइबर कैफे। वैसे तो बहुत जगह है साइबर कैफे, लेकिन हम यहीं पर आए क्योंकि यहीं पर काम था कब्बू को। तो अभी कब्बू अपने काम को लेकर डिस्कस कर रही है अंदर। तो कैफे में काम वगैरह करने के बाद हम फिर से आ चुके हैं हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में अब भी बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो गाइज, अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी तो बहुत भीड़ है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। लगभग 11:30 हो चुके हैं बट अभी भी नंबर नहीं आए हैं। आधे लोग यहाँ पे भी वेट कर रहे हैं और आधे लोग बाहर पे हैं। क्या वो कुछ कहना चाहोगे? क्या अभी उठ जाएंगे? अच्छा, अभी खाएगी पिएगी उठ जाएगा। आप कहाँ से आए हो? नई बस्ती से। कितने महीने का आपका बेटा है? बेटी कितने महीने की है? 7 महीने की। अच्छा, कितने इंजेक्शन लगेंगे कब्बू? 3 इंजेक्शन लगेंगे। बहुत परेशान करेगा फिर आज तो। और आपके बेबी को तो
अच्छा, ये अभी सो रहा है इतने प्यार से, अभी इसको पता नहीं है, इसको इंजेक्शन लगने वाले हैं, थोड़ी देर में रोएगा ही, अभी तो इतने प्यार से सो रहा है। सो जा बेटा सो जा, अभी तेरी नींद हराम होने वाली है थोड़ी देर में। सिपो दया आ रही है मेरे को तो इसको देख के। तो यहाँ पे अभी बेबी सो रहा है कब्बू की गोद में। तो गाइस हम हॉस्पिटल में 10:30 बजे आए थे और अभी लगभग 12 बज चुके हैं, अभी भी हमारा नंबर नहीं आए हैं और अभी भी बहुत भीड़ है, आप देख सकते होंगे अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं, देखते हैं कब तक नंबर आता है। तो गाइस अभी इंजेक्शन लग चुका है बेबी को और अभी हम जा रहे हैं घर को, तो आपको सीधे घर पर मिलते हैं। हॉस्पिटल का काम कराते कराते हमें 1:30 बज चुके हैं और घर आके हमने खाना वगैरह भी खा लिया है। तो दोस्तों अब लगभग 2 बज रहे हैं और ये लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ की गाड़ी 3 बजे जाती है। तो यहीं पे इनके रिश्तेदार भी रहते हैं हमारे गांव में किराए में, तो ये उनके वहाँ जा रहे थे, देर मिल के आएंगे, तो हमारे घर से जाने लग चुके हैं। दोस्तों हमारे घर में जो पहली बार आता है उनको भी टीका लगाया जाता है, तो मम्मी अभी सासू माँ को टीका लगा रही है, मतलब दीदी को टीका लगा रही है, और बेबी को यहाँ पे दर्द होने लग गया है, शायद मैं रो रहा है वो। बेबी भी पहली बार है तो बेबी को भी टीका लगाएंगे। कब्बू पुरान हो गई तो कब्बू की कोई पूछा ही नहीं है। नीरज भी आया हमारे घर, नीरज को पहली बार। दीदी पहुंची गई फाइनली शर्मा शर्मा के। कैसा लग रहा है दीदी, कैसा लगा आपको हमारा घर? अच्छा लगा। आप तो बहुत शर्मा रहे थे, क्या होगा कैसा होगा करके, अब शर्म दूर चली गई होगी ना। तो मम्मी से भी नहीं मिले थे आप, आज पहली बार मिल रहे हो मम्मी से। अच्छा, अभी मम्मी भी पकड़ रही है छोटे बेबी को। अभी जाने की तैयारी हो चुकी है, मम्मी बेबी को लेके आ गई है बाहर और दीदी भी आ चुकी है, कब्बू भी आ चुकी है, तो विदा ले रही है दीदी अभी मम्मी से। तो दगड़ियों दीदी और बच्चा चले गया है, जो इनके रिश्तेदार है हमारी दीदी तो उनके घर गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट का काम करवाने के लिए। तो हम दोनों फटाफट जा रहे हैं मार्केट का काम निपटाएंगे, फिर ये जाएगी दीदी के पास और फिर ये जाएंगे घर। मार्केट का काम करने के बाद ये लोग जाने लग चुके हैं और 3:30 हो चुका है, आज तो गाड़ी वाला रुक गया इनको, क्योंकि गाँव का ही था इस वजह से। तो अभी लोग जाएंगे गाड़ी में बैठ के। तो दोस्तों ये रहा, गाड़ी भी आ चुकी है और ये लोग आ रहे हैं इधर से। यहाँ पे कब्बू बैठने लग गई है गाड़ी में, और दोस्तों हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चों के सर में इस तरीके से गोल गोल करके मांस जुनाल पोटा जाता है, जिसमें चावल और मांस की दाल होता है, और ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे वहाँ, इससे ये कहते हैं कि बच्चे डरते नहीं है, बच्चों को छल वगैरह नहीं लगता है। और यहाँ पे कब्बू लोग जाने लग गए हैं। दिन में कब्बू लोग को छोड़ने के बाद अभी आपको सीधे शाम को 8:30 बजे मिल रहे हैं। और दोस्तों अभी मैं हूँ अपने घर के किचन में और अभी मैं बना रही हूँ खाना, मैं और मम्मी बना रहे हैं, मतलब मम्मी लौकी की सब्जी बना रही है और मैं बनाऊंगी एग करी, तो दोनों लोग मिलकर खाना वगैरह बना रहे हैं। और दगड़ियों यहाँ पे मैंने एग करी की तैयारी भी कर दी है, यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची को कट कर लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारे अंडे भी बॉयल हो चुके हैं और बॉयल होकर मैंने इसको छील भी दिए हैं, तो अब बनाते हैं हम अंडा करी। तो दगड़ियों खाना वगैरह खा लिया है, अब करते हैं सोने की तैयारी। तो मैं लगाती हूँ अभी बिस्तर। बिस्तर वगैरह भी लगा लिया है, बिस्तर वगैरह लगाने के बाद मैं बिस्तर में भी आ चुकी हूँ। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद। चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं सीमा आप लोगों से विदा लेती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।